दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है चौड़ी छाती कैसे बनाएं, कटिंगदार चेस्ट घर पर कैसे बनाएं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे वर्कआउट्स के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें करने के लिए आपको कहीं पर भी जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पर आसानी से ये वर्कआउट कर सकते हैं और आपको किसी इक्विपमेंट की भी जरूरत नहीं है। इन्हें आप केवल अपने बॉडी वेट से कर सकते हैं और मात्र 30 दिनों में ही आप अपने चेस्ट में काफी बढ़िया बदलाव कर सकते हैं। तो दोस्तों इन वर्कआउट्स को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए बिना समय गवाएं ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर 1 वर्कआउट जो है वो है पुशअप्स। आपको सबसे पहले वर्कआउट शुरू करने से पहले वार्म अप करना है और उसके बाद आपको पुशअप लगाने हैं। आप पुशअप अपनी आवश्यकता के अनुसार लगा सकते हैं। 12 रैप्स के आपको 3 सेट लगाने हैं और हर सेट के बीच में आपको 1 मिनट का रेस्ट लेना है। ध्यान दें दोस्तों आपको एक बार में ज्यादा पुशअप नहीं लगाने हैं, समय के साथ आपको धीरे धीरे पुशअप्स बढ़ाने हैं। नंबर 2 वर्कआउट, दोस्तों पुशअप के बाद आपको करना है प्लैंक रोटेशन। इस वर्कआउट को करने के लिए आपको क्या करना है, पुशअप लगाने हैं और उसके बाद आपको एक हाथ ऊपर लेना होता है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं जैसे हम प्लैंक करते हैं वैसे आपको ये वर्कआउट करना है और फिर दूसरे हाथ से करना है और फिर आपको वापस पुशअप लगाना है। ऐसे आपको पुशअप लगाने हैं। शुरुआत में दोस्तों आप अपनी क्षमता के अनुसार लगाएं, फिर 12 से 14 रेप्स के 3 सेट आपको लगाने हैं और हर सेट के बीच में आपको 1 मिनट का रेस्ट लेना है। नंबर 3 वर्कआउट, दोस्तों नंबर 2 वर्कआउट करने के बाद नंबर 3 वर्कआउट में आपको करना है शोल्डर प्रेस वर्कआउट। दोस्तों इस वर्कआउट को करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको दोनों हाथ और दोनों पांव जमीन पर रखने हैं और फिर बीच में से आपको ऊंचा होना होता है और शोल्डर पर वजन लेकर आपको हम जैसे पुशअप लगाते हैं वैसे आपको करना होता है। आप वीडियो में देख सकते हैं आपको बिल्कुल ऐसे ये वर्कआउट करना है और इस वर्कआउट के भी 12 से 15 रैप्स के आपको 3 सेट करने हैं। शुरुआत में अगर आप ज्यादा न कर पाए तो अपनी क्षमता के अनुसार करें और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। नंबर 4 वर्कआउट, दोस्तों नंबर 3 वर्कआउट करने के बाद आपको नंबर 4 वर्कआउट में करना है पुशअप शोल्डर टैप्स। दोस्तों इसमें क्या करना होता है कि आपको नॉर्मली पुशअप लगाना होता है और उसके बाद आपको एक हाथ उठाकर अपने शोल्डर पर टच करना होता है और फिर पुशअप लगाकर दूसरा हाथ भी आपको शोल्डर पर टच करना होता है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं आपको बिल्कुल ऐसे ही वर्कआउट करना है। इसके भी 12 से 14 रेप्स के 3 सेट आपको लगाने हैं और हर सेट के बीच में आपको 1 मिनट का रेस्ट लेना है। नंबर 5 वर्कआउट, दोस्तों इस वर्कआउट का नाम है क्लैपिंग पुशअप, यानी कि पुशअप लगाते हुए आपको ताली बजाना होता है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं आपको बिल्कुल ऐसे ये वर्कआउट करना है। पुशअप लगाते समय आप ऊपर जब आते हैं उस समय आपको ताली बजाना होता है। ये वर्कआउट भी चेस्ट के लिए काफी बढ़िया वर्कआउट है। इसके भी आपको 12 से 14 रेप्स के 3 सेट करने हैं। दोस्तों ये 5 वर्कआउट जो है ये आपके चेस्ट के लिए काफी बढ़िया होते हैं। अगर आप इन्हें एक दिन छोड़कर एक दिन या फिर आप कोई और वर्कआउट करते हैं तो चेस्ट वाले दिन अगर ये वर्कआउट करते हैं तो दोस्तों आपको कुछ ही दिनों में काफी बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। आपको कहीं पर भी जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पर ये वर्कआउट करें और आपको काफी बढ़िया फायदा देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले समय की वीडियो आपको मिल जाए।